हाय फ्रेंड्स, आज हम राजगिरा आटा साबूदाना टिक्की बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम साबूदाना लिया था। इनको भिगा, 2 घंटे भिगा करके तैयार कर लिया। एक कटोरी मैंने राजगिरा का आटा लिया, थोड़े से भुनी हुई मूँगफली, 1 चम्मच सिंधा नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम साबूदाना को इसके अंदर ऐड करेंगे, राजगिरा का आटा को ऐड करें, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और भुनी हुई मूँगफली कूट लिए, मतलब थोड़ी सी तरदरी कर ली इसको। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मसालों को, साबूदाना और राजगिरा के आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इस तरीके से हम सारी टिक्की बना के तैयार कर ली। इस तरीके से हमने सारी टिक्की बना के तैयार कर ली। अब हम टिक्की फ्राई करेंगे। इसमें 1 चम्मच मैंने तेल ऐड कर लिया। मिडल आंच में हम गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से पकाएंगे। टिक्की हमारी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे हम तेल से निकाल लेंगे। ये हमारी राजगिरा साबूदाना टिक्की बनके तैयार हो गई है।